ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं दोनों तरफ से फंदे घटाऊंगी, दो दो फंदे। तो यहां से देखिए ऐसे दो का एक किया मैंने, वापस इस फंदे को ऐसे करके ये दो का एक कर दिया। उसके बाद पूरी रो हम सीधा बुनेंगे ऐसे, लास्ट में दो फंदे फिर घटाऊंगी। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको सीधा बुन लिया ऐसे। यहां से पलट लेंगे। अब देखिए दो फंदे मैं इधर से ही घटा दूंगी ऐसे, एक घटाया उसके बाद वापस इसको ऐसे। अब इधर से पूरी रो उल्टा बनाऊंगी। अब देखिए दोनों तरफ से ऐसे ही बनाते हुए, ये देखिए दो दो फंदे घटाते हुए दोनों तरफ से 40 फंदों तक घटाऊंगी मैं। तो घटा लेती हूँ, 40 फंदों के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट 40 फंदों तक घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से रेड कलर लगाऊंगी मैं। और पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। अब देखिए जो मैंने बॉर्डर नीचे बनाया है इस तरह का बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं ऐसे बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक रो मैंने उल्टी बना ली है। अब देखिए ये तीन डिजाइन में डालूंगी, एक दो तीन, इतना बॉर्डर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये तीन डिजाइन डाल ली है, एक दो तीन, और एक रो यहाँ से उल्टी बना ली है। अब देखिए पलट लेंगे, यहाँ से सभी फंदे बंद कर दूंगी। यहाँ पे आप कोई और बॉर्डर भी डाल सकते हैं, अगर आपने नीचे के साइड में कोई और डाला है तो ऐसे सभी फंदे मैं बंद करते जाऊंगी इसी तरीके से। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदे बंद कर दिए। इसी तरीके का एक पार्ट और बनाया है मैंने, सेम तरीका है बनाने का, देखिए सेम बनाए हैं मैंने। ये देखिए इसी तरीके से मैंने ये दो बाजू बनाई हैं, जो मैंने बॉर्डर इसमें डाला है उसी तरीके से सेम बनाई हैं। इसमें मैंने 80 फंदे की बनाई हैं। आप बड़ी भी बना सकते हैं, यहाँ से आप बाजू के अकॉर्डिंग इसमें फंदे ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप ये वाली डिजाइन बढ़ा के फंदे डाल लीजिए, एक रो में फंदे बढ़ा लीजिए फिर ये डिजाइन डाल लीजिए, तो ये आपकी ऐसे बन जाएंगी। हम सिंपल बना रहे हैं। अब देखिए मैं इसको सिलूंगी, तो देखिए ऐसे एक मैंने सीधा रखा, एक ऐसे रखा। तो सबसे पहले देखिए यहां से हम इस बाजू को सिलेंगे ऐसे, यहां से लेके इतना जितना ये आ जाएगा इजली उतना हम इसको पहले सिलेंगे। तो देखिए हम यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया, यहाँ पे हम इसे पक्का कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम अंदर के साइड लाके कट करेंगे। आप देखिए इसी को मैं ऐसे देखिए बैक वाले पार्ट्स में सिल दूंगी, यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए जितना यहाँ से आ जाएगा इतना नाप के इसको बराबरी लेना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे देखिए यहाँ से पकड़ लेंगे इसको और ऐसे सिलते जाएंगे। तो हम इसको भी सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इधर भी ऐसे सिल दिया यहाँ तक। आप देखिए यहाँ से लेके मैं पूरा यहाँ तक सिल के कंप्लीट करूंगी। पहले मैं रेड धागे से सिलूंगी क्योंकि यहाँ पे पूरा ये रेड आ रहा है, तो इसको हम यहाँ तक।
यहाँ पे हम इसे पक्का करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी इतना हम रेड से ही सिलेंगे, इतना येलो से सिलेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको सिल दिया, ये भी मैंने रेड से सिल दिया, बीच में जो है उसको मैं येलो से सिलूंगी ऐसे। पूरा यहाँ तक इसको मिलाते हुए सिलना है, जैसे बना है उसी तरीके से। ये देखिए लास्ट तक इसको ऐसे ही यहाँ पे हम इसे पक्का कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। और देखिए जो भी धागे ये हैं इनको मैं नॉट लगाने के बाद सारे कट कर दूंगी।